प्रेरितों के काम उसका पीस। परंतु मैं अपने जान को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो। हालेलुया। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर पौलुस से चीज लिखता है कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। प्रभु ने कहा जब तक तुम अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करो तुम मेरे योग्य नहीं हो, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और इस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से पाई है। हालेलुया। आज वही व्यक्ति अपनी दौड़ को पूरा कर सकता है जो अपने प्राण को परमेश्वर से प्रिय ना समझता हो। हालेलुया। अगर हम अपनी दौड़ को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं आत्मा में, तो हमें एक चीज, अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता कि मैं अपनी दौड़ को पूरी करूं, अपनी सेवा को पूरी करूं। हालेलुया। एक वचन रोम 14 में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की योजनाएं बनाते हैं, उपाय करते हैं अपनी अभिलाषाओं के लिए। प्रभु कहता है अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो, क्योंकि अब प्रभु आने वाला है। और जो व्यक्ति अभी भी अभिलाषाओं में है वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो कभी भी अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर सकता, वो कभी भी अपनी सेवा को पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। आज व्यक्ति कहता मेरी सेवा क्या है। 12 में लिखा है, 12:1, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। आज हर व्यक्ति कहता मेरी सेवा क्या है। परमेश्वर कहता हमारी सेवा अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दो, यही हमारी सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। जब तक ये सेवा व्यक्ति नहीं कर पाता तब तक दूसरी कोई सेवा नहीं कर सकता। बाकी की सेवाएं बाद में शुरू होती है, सबसे पहले जो ये अपने आप को प्रभु को चढ़ा देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है परमेश्वर को, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में जोर नहीं लगाता, जो अपने शरीर को परमेश्वर को जीवता बलि, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। हम कई बार सोचते हैं कि क्या सेवा, अपने आप को, अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं सब कुछ साइड में रख के प्रभु की इच्छा को पूरी करना। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, अलग अलग काम दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, 6 पढ़ते हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिस भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा, जो वह उपदेश देने में लगा रहे,
दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कितनी सारी चीजें हैं प्रभु ने जो हमें करने के लिए बोली है। हालेलुया। प्रभु ने कहा सबको अलग अलग गिफ्ट, अलग अलग दान दिए गए हैं। सेवा करने वाला सेवा करे, दान देने वाला उसको दान देने का गिफ्ट है, दान करता रहे, उपदेश देने वाला उपदेश देता रहे, सिखाने वाला सिखाता रहे। परमेश्वर कहता है जो भी काम आपको सौंपा गया है उसे हर्ष और उत्साह के साथ करो और इन्हीं कामों में लगे रहो। हालेलुया। और अपनी दौड़ को पूरा करो। हमारी दौड़ जब हम इन्हीं कामों में अपने उसी सेवा में लगे रहते हैं, हम अपनी दौड़ को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का जो वचन है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। हालेलुया। आज बहुत सारी दुनिया अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नई नई युक्तियां गढ़ रही है, नए नए प्लान बना रहे हैं, लेकिन कलीसिया का जो प्लान है वो यीशु मसीह के साथ उठाए जाने का है। इसीलिए हम मसीह को पहन लें और उसकी सेवा कार्यों में लगे रहें। जिसको जो भी थोड़ा जो भी गिफ्ट प्रभु ने दिया है, हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहें, अपने जीवन को पवित्रताई में लेके चलते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कब किस दिन हमें इस दुनिया से उठा लिया जाए। इसीलिए हम भले भले कामों में एक दूसरे से बढ़ चलें। हालेलुया। तो आज जितने लोग अगर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय कर रहे हैं, तो प्रभु कहता मत करो, मत करो, बल्कि परमेश्वर के कामों में लगे रहो। अपने शरीर को जीवित बलिदान करके प्रभु को चढ़ा दो और उसी की इच्छा पूरी करो। अपनी दौड़ में दौड़ते जाओ, जो दौड़ प्रभु ने दी है उसमें दौड़ते जाओ। और कब आप अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं? जब आप अपने प्राण से बढ़कर यीशु से प्रेम करते हैं। और उसने कहा मैं अपने प्राण से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। क्यों नहीं? ताकि मैं अपनी दौड़ को पूरा करूँ। आप हमेशा देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति जो एक धावक होता है, एक दौड़ने वाला व्यक्ति, वो कभी भी आराम से नहीं बैठ सकता। अगर एक एथलीट, जब हम जिसको एथलीट बोलते हैं, वो अगर दौड़ता है तो हम ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ एक दिन का है, या जब कंपटीशन है तभी वो दौड़ रहा है, जब वर्ल्ड कप है तभी वो दौड़ रहा है। उसकी प्रैक्टिस जो होती है वो सालों साल चलती रहती है। वो कभी भी बैठ के आराम से, हाँ जी जो भी खा पी रहा है और अपना मोटा हो रहा है या अपना वेट बढ़ा रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उसको पता है कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, उसको पता है मेरे कॉम्पिटिशन में मुझे जाना है, तो वो पूरा साल तैयारी करता है, पूरा साल दौड़ता है, पूरा साल अपना स्टेपना बढ़ाता है। हालेलुया। इसी तरह अगर हम एक विश्वासी हैं और हमें लगता है कि सिर्फ चर्च में जाके सिर्फ 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करके उसके बाद हम अपना जैसा मर्जी जीवन चाहें जिए, जैसा मर्जी खाएं पिए, जो मर्जी करें, तो हम गलत सोचते हैं। अगर हमने अपना जीवन अपनी मर्जी के अनुसार जिया, जब दौड़ में दौड़ना होगा तो हम व्यर्थ ठहरेंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें प्रैक्टिस हमेशा पूरा साल महीने अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। एक दिन की तैयारी नहीं, अगर आप परमेश्वर के साथ रहना तो आपको सिद्धता में बढ़ते जाना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, हमारा मन मोटा हो जाता है,
हम हटी हो जाते हैं, हम ढीठ हो जाते हैं, फिर हम पे असर नहीं होता चीज़ों का। इसीलिए हम रोज रोज परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते जाएं। हालेलुया, हालेलुया।